हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आज जिस बैंकिंग शेयर की हम बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त 240 प्लस है। 52 वीक हाई 272 और 52 वीक लो 150। फ्रेंड्स, इस स्क्रिप्ट को लेके मैंने कई बार रिकमेंडेशंस दी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब बिलो 200 आता था, 180, 182, 183 के आसपास मैं बताता था। और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में ये शेयर आपको आपके इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देता था, 212, 215 के आसपास आकर के। 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि 180 के आसपास आया और मैंने 3 से 4 बार रिकमेंड किया, 3-4 वीडियोज़ भी बनाए। आप चाहे मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा मेरी बात को, और आपको अच्छे रिटर्न्स दिलाने में कामयाब भी हुआ अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो। और ये भी कहा था कि जब कभी भी 215 से अपर लेवल पर चला जाए, 220 से अपर लेवल पर चला जाए तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाएगा और ये अपर लेवल की तरफ निकलेगा। और इसके 240 चल रहा है, 300 इसके टारगेट है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न देगा और लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। फ्रेंड्स, इसमें हमारे राकेश जी सर का भी होल्ड है। इस बैंक के शेयर्स में उनकी 2% की होल्डिंग है, जिसका कि वैल्यूएशन 822 करोड़ से भी ज़्यादा का। वैल्यूएशन टाइम टू टाइम अप एंड डाउन होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट और एक मैगजीन का सर्वे था उनके बारे में और उनके बारे में बताया गया था। तब उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा था, तब मुझे मालूम चला था कि कैनरा बैंक में भी सर की होल्डिंग है। ऐसे तो मैं उन सर को जानता नहीं था, ना ही उनसे मेरी कभी बात हुई, ना ही उन्होंने मुझे कभी बताया। मैं सिर्फ रिपोर्ट के बेसिस पे आपको ये बात बता रहा हूँ। और लोग बाग जानना भी चाहते हैं कि उनके शेयर कौन कौन से हैं, किस किस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ताकि वो भी उन कंपनीज को एनालाइज करके उनमें इन्वेस्टमेंट कर सके सर की जैसे, ताकि वो भी एक अच्छा रिटर्न ले सके उनकी तरह, उन्हीं की जैसे स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। फ्रेंड्स, ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कैनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करना कम पसंद करते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब कोई वीडियो बनाता था व्यूज़ भी कम आते थे और लोग कुछ पूछते भी नहीं कभी कैनरा बैंक के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी लगे कि कैनरा बैंक भी एक बेटर फंडामेंटल वाली स्क्रिप्ट है, इसमें भी अच्छा रिटर्न देने का मादा है और अच्छा रिटर्न ये शेयर देता भी है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के बाद। और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का पॉइंट ऑफ इसलिए नहीं बताता था कि भाई सर का इसमें इन्वेस्टमेंट है। भाई आप खुद ही देख लीजिए, 272 से अगर शेयर कोई 183, 180, 185 पे आए तो इसका लगता है कि 35% से ज़्यादा का डाउनफॉल आ गया। और बेहतर स्क्रिप्ट जब 35% से ज़्यादा का डाउनफॉल आता है, 35% तक का डाउनफॉल आता है, 30% तक का डाउनफॉल आता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक बार स्वाभाविक होता है। अगर उसके बाद में और ज़्यादा डाउनफॉल आया, 40% या 50% के आसपास आया, तब तो बहुत ही बेटर अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल हो जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। और अगर हम फिर वापस इन्वेस्टमेंट करें, दोबारा इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारा एवरेज बाइंग भी बहुत अच्छा होता है। और फिर ऐसे स्क्रिप्ट जो अपर ट्रैक लेवल लेती है तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको बताना चाहता था, आपकी नॉलेज एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताना चाहता था कि सर की भी होल्डिंग इसमें है और आप भी इस स्क्रिप्ट में ध्यान दें, इसके फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स बेहतर है, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। और अभी मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा सा बना हुआ है, लोगों ने हवा करा हुआ है, रियल में है या नहीं है आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो अपने भाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ, मार्केट में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, अप एंड डाउन जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सही लेवल पर कर दीजिए, आपको रिटर्न मिलेगा चाहे मार्केट कहीं भी जाए। लेकिन मान लीजिए अभी इन दिनों ऐसा चल रहा है कि भाई डाउनफॉल जाएगा, मार्केट डाउनफॉल जाएगा, तो बाय चांस आपको 225 से नीचे वापस मिल जाए, 210 के आसपास या 215 के आसपास, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी अपर ट्रैक लेवल पे अगर मार्केट डाउनफॉल आए तो हो सकता है डाउन चला जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट कर लें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, मैंने बता ही दिया आपको लगता है कि करना चाहिए, तो अगर आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच कीजिए। और अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है, बार बार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या और अच्छी होल्डिंग बना सकते हैं, बार बार इन्वेस्टमेंट करके एवरेज बना सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। डाउन जाए तो और इन्वेस्टमेंट कीजिए, और डाउन जाए तो और इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अपनी बाइंग का जो लेवल है, जो एवरेज बाइंग प्राइस जो होती है, उसको बेटर बनाने के लिए सुदृढ़ है आप, अच्छी कैपिटल है, तो फिर बार बार इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें अपर बाइंग लेवल बना सकते हैं, तो आप इस पर इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे भी कर सकते हैं। बाकी 300 प्लस का टारगेट है, डाउन भी जाएगा तो भी 300 प्लस का टारगेट लेगा, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा लेवल है, अच्छा फंडामेंटल है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहे मेरे चैनल से, और आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको मैं अपग्रेड करता रहूँगा अच्छे स्क्रिप्ट से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन दोनों ही हिसाब से अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छा रिटर्न दिलाने के लिए। अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी वीडियोज़ वॉच कीजिए और एनालाइज कीजिए कि मैं आपको प्रॉपर राय ही देता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, जुड़ रहे मेरे चैनल से, मोटिवेट करें मुझे, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपको बना के देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।